हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस एफएफ में हम ये जानेंगे कि इस एफएफ का नाम जैसे है कि हमारी अधूरी कहानी क्या लैंसन और विंग की सच में अधूरी कहानी रह जाएगी या फिर पूरी होगी, वो जानेंगे। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा वहीना जोर की चिल्लाता है लैंसन करके, मतलब वो जोर के चिल्लाता है और कहता है कि लैंसन कहाँ हो, लैंसन कहाँ हो, लैंसन कहाँ हो, बोला सच का ढूंढ रहा था। और इन लोगों की शादी को 3 महीने हो गए थे और हमारा विंगना बहुत जोर के चिल्लाया था, तो जियांग चैन, लैंसी चैन और लैंसन सब घबरा गए थे कि क्या हो गया। और हमारे विंग ने ना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था, तो हमारा जो विंग है ना वो ना बहुत खुश हो गया था और ना बहुत चिल्ला रहा था कि लहनसहन कहाँ हो, लहनसहन कहाँ हो। उसके बाद ना सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, तो हमारा विंग कहता है कि लहनसहन ये देखो, बोलता है। तो हमारा लहनसहन देखता है और कहता है कि सच में, बोलता है। तो ना हमारा विंग हाँ कहता है और सिशन और जियांगचन ना एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि क्या हो गया। तो ना हमारा विंग कहता है कि जियांगचन मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो ना ये दोनों ना बहुत खुश हो जाते, मतलब चारों के चारों बहुत खुश हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि हमारे विंग का ना मतलब बहुत ख्याल रखा जा रहा था, मतलब सिचैन जियांगचन वो सब बहुत ख्याल रख रहे थे और उनके अंकल आंटी जो है ना वो भी आ गए थे ये खबर सुनकर। और अंकल आंटी आते हैं और ना आंटी ना किसी से बात कर रही होती हैं कि तू अभी भी नहीं आएगा, तू कब आएगा, ऐसा बोल रही होती हैं। और वो ना अपने बेटे से बात कर रही होती है जो एक अल्फा है, और उससे बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम्हारे लैंसन ब्रदर के घर में ना बेबी आने वाला है, तू अभी भी नहीं आएगा, शादी में भी नहीं आया था, तेरे पास क्या काम रहता है। तो वो पर्सन कह रहा था, मतलब सुयेंग था उसका नाम, मतलब लैन सुयेंग। तो ना वो कह रहा था कि नहीं मदर, मैं नहीं आ सकता, मुझे ना काम है, बोल रहा था। और सुयेंग ना ऐसा कहता है और कहता है कि ब्रदर को कॉल, मतलब मोबाइल दीजिए, बोलता है। तो हमारे लैंसन को मोबाइल दिया जाता है, तो हमारा लैंसन कहता है कि ब्रदर तुम कब आओगे, बोलता है। तो ना हमारा सुयेंग, लैन सुयेंग कहता है कि ब्रदर मेरा तो यहाँ पर काम है, आपको तो पता है, और ऐसा सब है, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, इसीलिए सॉरी ब्रदर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना बहुत हैप्पी हूँ, प्लीज़ ब्रदर आप ना ऐसे मत कहिए कि मैं नहीं आ पाया, आप ऐसे बुरा मत लगाइए, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है, हो गया तुम्हारा बहाना, बोलता है। तो ना हमारा सुयेंग ना हंसता है और कहता है कि हाँ ब्रदर, बोलता है। और उसके बाद ना कॉल कट कर देते हैं और हमारे बहन को दिखाया जाता है, वो ना बहुत हैप्पी था, लेकिन ना उसको ना मतलब ऐसे खुद का बहुत ख्याल रखना था, उछल कूद बंद करना था, वो बहुत उछल कूद करता था और इसकी तो खाने की हैबिट पहले से ही है, और जब से प्रेग्नेंट हो गया है ना तब से ना इसकी हैबिट बढ़ गई है, वो बहुत खाना खाता है, पूरा का पूरा स्टॉक रखते हैं, मतलब घर में रखते हैं, फ्रिज में रखा हुआ होता है उसके लिए खाना, सब कुछ जो उसे चाहिए होता है, उसको आधी रात को भी भूख लगती है। तो हमारा लहसन आधी रात को उठता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसको खिलाता है, फिर सुलाता है। और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे, उसके मॉम डैड मतलब अंकल आंटी, मतलब लहसन के अंकल आंटी वो सब बहुत खुश थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। तो ना हमारा जो लहसन है ना वो ना कहता है कि वही तुम वैसे रहोगे, तुम ना थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करो, तुम मुझसे उछल कूद मत किया करो ना, बोलता है। तो हमारा वही ना मुंह खुला देता है और कहता है मैं उछल कूद करता हूँ, मैं उछल कूद करता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है, रुको मैं अभी गगा को बताता हूँ, बोलता है। और ना वो ना ऐसा कहता है और ना सैड सा फेस बना देता है और कहता है कि सिचेंगा देखिए ना लैंसन कह रहा है कि मैं उछल कूद करता हूँ, बोलता है।
मतलब ऐसा बोल रहा था, तो सुचिन कहते हैं कि नहीं, मेरा भीम ऐसा नहीं करता, मेरा भीम ऐसा बच्चा नहीं है, बोलता है। मतलब वो भी अच्छे से मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं ना लहसुन और भीम, उनसे छोटे हैं तो अपने भाई बहन को कैसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बड़े भाई बहन ऐसे करते हैं। तो ना हमारे हमारा लहसुन कहता है कि काका आप तो इसे बिगाड़ रहे हो, तो ना हमारे सिचन कहते हैं कि नहीं मैं इसकी साइड लूंगा, ये मेरा लिटिल सा ब्रदर है, मतलब ब्रदर इन लॉ है, तो इसको नहीं बिगाड़ूंगा तो किसे बिगाड़ूंगा, जो छोटा वाला आएगा ना उसको भी बिगाड़ूंगा, बोलते हैं। और हमारा फिंग ना बहुत हैप्पी था। और इधर तो इसकी प्रेगनेंसी चल रही थी और सब लोग ना मतलब घर सर पे उठाया हुआ था उसने, मतलब उसको जो चाहिए था वही चाहिए था। आधी रात को भी उसको चॉकलेट खाना होता था, मतलब पेस्ट्री खाने होते थे, केक खाना होता था, बहुत जा सारी चीज़ें खाना होता था। और ना वो बहुत तंग करता था सब लोगों को, लहजैन को तंग करता था, सिचैन को तंग करता था, जियांगचैन को तंग करता था, लेकिन सब लोग ना बहुत खुश थे, तो उसके सारे मूड स्विंग्स ना सब सह रहे थे सब लोग। और इधर दिखाया जाता है हमारे लैंग सुगैन की तरफ, वो ना किसी से बात कर रहा होता है, मतलब अपने ओमेगा से, मतलब जो होटे वाला है उससे, और वो कह रहा होता है कि साउ सिंचैन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दी शादी करने की तुम्हें क्यों है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ना, बोलता है। तो ना हमारा साउ सिंचैन कहता है कि इतने सालों से हम दोनों साथ में हैं और तुमने घर वालों से बात भी नहीं की है, तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दी तो मैं क्या करूँगा, सब बोल रहा था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो ना बाहर गया था, मतलब अपने काम की वजह से बाहर गया था, और साउथ सिंचैन भी उसके साथ गया था, वो दोनों एक ही साथ गए थे, अलग अलग गए थे लेकिन एक साथ मिले थे वहाँ पर। तो ना हमारा जो लैंड सुरियन है ना वो ना मतलब साउथ सिंचैन को लेकर ना मतलब हमारे गुस्सू आ जाता है और ना अपने मदर फादर से मिलाने ले आता है। और हमारा जो साउथ सिंचैन है ना वो घबराया हुआ था कि इसके मॉम डैड क्या बोलेंगे। तो ना हमारे जो मतलब लैन कुरैन है ना वो कहते हैं कि ये कौन है, बोलते हैं मतलब सुयंग को कहते हैं, तो सुयंग कहता है कि फादर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बोलता है मतलब मैं इससे प्यार करता हूँ, बोलता है। तो ना वो हंसते हैं और कहते हैं कि तुम भी एक जैसे हो, मतलब तुम भी तुम्हारे भाइयों की तरह ही हो, तुम लोगों ने पसंद कर लिया फिर शादी करने के लिए हमारे पास आते हो, हम मान जाते हैं फिर तुम्हारी शादी हो जाती है। तो ऐसा हो रहा था। तो ना इन लोगों का भी मैरिज ना फिक्स किया जाता है और सब लोग मतलब लैन सिचैन, लैन जैन और विहिंग जियांग चैन सब लोग खुश थे, क्योंकि सब लोग सुयंग को अच्छे से जानते थे और सासिन चैन को भी जानते थे क्योंकि वो लोग दोस्त थे। तो हमारा जो सासिन चैन है ना उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अनाथ है इस FF में। तो ना हमारे जो अंकल हैं और आंटी है ना वो लोग ना कहते हैं कि बेटा हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, और लैंसन लैंसी चैन और ना वो दोनों भी कहते हैं कि हम दोनों हैं ना, हम हमें बताना अगर सुयंग में तंग किया तो उसको बहुत मारेंगे, बोलते हैं। तो ना हमारा सासन चैन ना बहुत कंफर्टेबल फील करता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे विंग का ना बेबी होने वाला था, मतलब 9 महीने बीत गए थे ये इस टाइम पर ना उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो ना हमारा बहन को ना अचानक से पेन होता है और घर में सब लोग थे, साउथ चैन सू यंग मतलब अंकल आंटी लैंसन लैंसी चैन ध्यांग चैन सब लोग थे। तो हमारा बहन ना एक जोर की चिल्लाता है कि लैंसन मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें मार डालूंगा मैं, जल्दी से लेकर चलो, मैं ये पेन नहीं सह सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सब हो रहा था। तो ना ये लोग कहते हैं कि हाँ, लेकर चलते हैं लेकर चलते हैं। तो हमारा लैंसन ना कन्फ्यूज की इसे कैसे लेकर जाओ, तो अंकल कहते हैं कि इसे गोदी में उठा लो। तो ना हमारा लैंसन ना जल्दी से बिंग को गोदी में उठाता है और अंकल कहते हैं कि कार में लेकर चलो। तो कार में जाता है, बीन को बिठाता है और उसके पास ही बैठता है, और सिचैन आकर ना
करते हैं रियांगजन के साथ, और ये लोग ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और घर के सब लोग वहाँ पर थे, हमारे विंग के मदर फादर भी वहाँ पर थे और सब लोग वहाँ पर थे। वो लोग ना बहुत परेशान हुए जा रहे थे, मतलब लहसन की तो लेवल ही, मतलब बहुत लेवल का, वो ना बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था कि बेबी ठीक होगा, विंग ठीक होगा, क्या होगा। और विंग जो चिल्ला रहा था ना, लहसन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते, मुझे कितना दर्द हो रहा है, बोल रहा था। और ना वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था कि लहसन के बच्चे रुक, मैं तेरे पास आता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, मेरी ऐसी तैसी कर दी तूने, तेरी भी ऐसी तैसी कर दू, मतलब ऐसा टाइप का वो बोल रहा था। तुम ना सब लोग ना क्या रिएक्ट करें, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भीम इतना चिल्लाए जा रहा है और लहसुन परेशान हुए जा रहा है। और वहाँ से ना एक बेबी का आवाज़ आता है रोने का, वो क्राई कर रहा था। तो ना हमारा लहसुन ना उसको ना थोड़ी सी राहत आती है कि उसका बेबी आ गया है। तो ना एक नर्स जो है ना थोड़ी देर बाद ना बेबी को लेकर आती है और कहती है कि मिस्टर लैन बोलती है। तो ना हमारा लहसुन जाता है वहाँ पर और बेबी को ना अपनी गोद में पकड़ लेता है और कहता है कि हाय बेबी, मैं आपका फादर हूँ, बोलता है, मतलब बहुत क्यूटली बोल रहा था। तो ना नर्स कहती है कि एक अल्फा है, बोलती है। तो ना हमारा जो लहसुन है ना वो पूछता है कि विंग ठीक है ना, तो नर्स कहती है कि विंग ठीक है। उसके बाद ना सब लोग विंग को और बेबी को घर में लाते हैं, और बेबी ना बहुत रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी यार, भूख नहीं लगती है क्या बच्चों को, उसको भूख लगी थी तो वो बहुत रो रहा था। तो हमारा विंग ना उसको फीडिंग कराता है, मतलब दूध पिलाता है। उसके बाद ना हमारा लहसुन उसको ना ऐसे गोद में घुमा रहा था और कह रहा था कि मेरा बेबी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बोल रहा था, वो ना ऐसा बोल रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद ही हमारे साउथ सिंचन और लैंसो यांग की शादी थी। तो ना हमारा जो मतलब विहिंग और लैंसन ना वो लोग तो अपने बेबी को संभालने में लगे हुए थे, शादी पर कैसे ध्यान देते, वो लोग ना बहुत परेशान हो गए थे, बेबी ना रोने लग जाए, अभी शादी होने वाला है, ऐसा कर रहे थे। तो हमारा साउथ सिंचन और सुयंग ना एक दूसरे को इनके मतलब मैरिज रिंग पहनाते हैं। उसके बाद ना मतलब सच रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद इनकी शादी ना कंप्लीट हो जाती है। और इधर हमारा जो लहसुन है ना वो विंग को कह रहा था कि बेबी तुम हमारे बेबी को संभाल लो ना, मुझे वॉशरूम जाना है, बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता है कि थोड़ी देर रुको ना, अभी तो शादी हुई है, मुझे कितना थकावट हो रहा है तुम्हें पता है। तो ना ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तो ना हमारे लहसुन कहते हैं कि लाओ लहसुन बेबी को मुझे दो। तो हमारा जो बेबी है ना मतलब उसका नाम भी रख दिया गया था युआन। तो हमारा जो युआन है ना वो ना अपने बड़े पापा के पास जाते ही चुप हो गया था, मतलब। और हमारा लहसुन कहते कि देखो तो इस नटखट को, अपने बड़े पापा के पास जाते ही चुप हो गया था और मेरे पास रहता है तो रोने लगता है। तो ना हमारे सिचन कहते हैं कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, देखना मेरे को बड़े पापा पहले बोलेगा, तुझे पापा बाद में बोलेगा। तो ना लहसुन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। और उसके बाद ना इनका तो मैरिज कंप्लीट हो जाता है, और हमारे मतलब सुयंग और साउथ इंडियन का वेडिंग नाइट वो मनाते हैं। और मुझे नहीं पता है कि उनका भी एक्सप्लेन करूं कि नहीं, तो नहीं करती हूँ, आप लोग कमेंट में बता देना कि उनका भी वो सब मतलब वेडिंग नाइट वाला सीन एक्सप्लेन करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, आप लोग बता देना कमेंट में। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो युआन था ना अब ना 3 महीने का हो गया था, और वो ना मतलब अपने जो बड़े पापा हैं और बड़ी मम्मी हैं उनके पास था। और हमारा लहसुन और विहिंग ना वो दोनों ना मतलब बाहर गए हुए थे, और वो दोनों ना मतलब कार से आ रहे थे। तो
तो हमारे लैंसमैन को अचानक से पता लगता है कि कार का ना ब्रेक फेल हो गया है। मतलब कैसे हुआ है पता नहीं था, लेकिन फेल हो गया था ब्रेक। तो हमारा लैंसमैन कह रहा था कि वे तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और अपनी बेबी से कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। विहीन बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता कि हाँ लैंसन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हमारा लैंसन कहता कि नहीं विंग, मुझे आज तुम्हें बोलने का मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया। और तुम एक बात जानते हो, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे और अपनी बेबी से प्यार करता हूँ। और मैं ना तुम्हें जाने का मतलब छोड़ के जाने की बात कभी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करें किस्मत अलग कर देती है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, और तुम मेरे क्यूट बनी हो ना, आई लव यू माई क्यूट बनी बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि लैंसन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हमारा लैंसन के आंखों में आंसू आने लग गए थे। तो वो कहता है कि नहीं मेरे बिन्नी कुछ नहीं हुआ है, मैं ना ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बोलने का मन किया तो बोल रहा हूँ बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लैंसन तुम्हें पता है मैं तुमसे और हमारे बेबी से ना बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ना तुम्हें छोड़ के जाने की बात कभी नहीं सोच सकता। और मैं अगर तुमसे दूर हो भी गया ना तो मैं देखना फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, मैं कैसे भी करके तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना बोलता है। तो ना हमारा लेंसर कहता है कि सच्ची विहिंग बोलता है। और ना हमारे विहिंग का ना मतलब सीट बेल्ट को खोल देता है और कहता है कि सच्ची बेबी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हमारा विंग कहता है कि लैंसन क्या कर रहे हो बोलता है। तो लैंसन कहता है कि कुछ नहीं विंग, कुछ नहीं बेबी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये याद रखना। और मैं अपने मतलब युवान से भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम उसे बता देना। तो हमारा विंग कहता है कि क्यों तुम नहीं बता सकते क्या, अभी तो घर जा रहे हैं हम दोनों, तुम बता देना ना बोलता है। तो हमारे लैंसन के आंखों से ना आंसू गिर रहे थे और लैंसन कह रहा था कि भी पता नहीं मैं बता पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बता देना ना हमारी बीवी को। तो हमारा वहीं कहता है कि कैसे लैंसन ऐसा क्यों बोले जा रहे हो। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि आई लव यू माई बनी बोलता है। और ना उसने ना कार को ना मतलब एक साइड पे ले आया था रोड के साइड में, और ना वो ना डोर ओपन करता है, मतलब कार का डोर ओपन करता है। और हमारे विहिंग को ना मतलब धक्का दे देता है कार से, और हमारा विहिंग ना नीचे गिर जाता है। और उसको ना मतलब चोट लग गई थी, सिर पे थोड़ा लगा था और उनके हाथ पैर छिल गए थे। और हमारा विंग ना शॉक्ड हो गया था कि विंग मतलब लैंसर ने मुझे धक्का क्यों दिया। और हमारा विंग कार को देखता है, कार जाकर ना एक पेड़ से टकराती है, बहुत जोर से टकराती है, और हमारे लैंसन के सिर से ना बहुत ज़्यादा ही खून बहने लग गया था। तो हमारा विंग ना मतलब कार का एक्सीडेंट होते हुए देखता है अपने सामने और बहुत जोर की चिल्लाता है कि लैंसन लैंसन करके, और कार के पास ना दौड़ता है और लैंसन को ना मतलब वहाँ से ना बाहर निकालता है कार से। और हमारे लैंसन को तो कोई होश नहीं था, उसके सिर से बहुत ब्लड निकल रहा था। और हमारा जो विहिंग है ना वो लैंसन को जैसे ही कार से बाहर निकालता है ना, तो ना मतलब उसके भी सिर पर ना जो कार का दरवाज़ा है ना वो लगता है, ऐसे ब्लास्ट होता है ना तो बहुत दूर भिगा जाता है मतलब दरवाज़ा, और हमारे विंग के सिर पर भी लगता है और बहुत ज़्यादा ही खून बह रहा था। तो हमारा जो विंग है ना वो ना
मतलब उसने ना मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, तो आसपास जितने भी लोग थे वो लोग आ गए थे, और इन दोनों ना, ये दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, मतलब हमारा विंग ना लैंसन का हाथ पकड़े हुआ था, तो हमारे विंग और लैंसन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और लैन फैमिली को ना खबर मिल गई थी कि इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सब लोग ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जियांगसेन ना घर में था बेबी के साथ, और हमारा जो लैंसन है ना उसका ऑपरेशन हो रहा था, और हमारे विंग का भी मरहम पट्टी किया जा रहा था, उसको ना मतलब स्कैन किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, तो ना हमारे विंग को ना थोड़ी देर में ना मतलब होश आ जाता है, जब उसकी पट्टी हो जाती है उसके बाद उसे होश आ जाता है, तो ना वो ना किसी की बात नहीं सुनता है, मतलब डॉक्टर की नहीं, नर्स की नहीं, किसी की बात नहीं सुनता है ना, और ना वो ना लैंसन के मतलब ऑपरेशन जहाँ हो रहा था ना उसके बाहर आ गया था, और ना वो रोए ही जा रहा था कि लैंसन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम धोखेबाज हो, तुम नंबर के, तुम ना बहुत बड़े धोखेबाज हो, मुझे धोखा दे दिया तुमने, मुझे धक्का दे दिया कार से मेरी जान बचाने के लिए, और खुद चले गए मौत के मुंह में, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैंसन, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, प्यार नहीं करूंगा, और मैं अपनी बेबी को भी बोल दूंगा कि तुम्हारे फादर बहुत बुरे हैं, तो ना हमारा मतलब फिंग ऐसा बोल रहा था, तो वहां से ना डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हमारा जो लैंसन है ना उसकी डेथ हो गई है, मतलब हमारा लैंसन नहीं रहा है, तो ये सुनते ही ना हमारा विंग ना मतलब वो बेहोश हो जाता है, और वो ना क्या करे, उसका लैंसन उसे छोड़कर चला गया, और हमारा जो विंग है ना उसे सब लोग संभाल रहे थे, और हमारे सिस्टर ना बहुत रो रहे थे, और अंकल रो रहे थे, आंटी रो रही थे, सब लोग रो रहे थे कि लहसा नहीं रहा करिए, और हमारी जो मतलब विंग है ना, सॉरी विंग है ना, वो ना उसको ना बेड पर लेटाया जाता है, और उसका ना जो स्कैन किया गया था, जो रिपोर्ट निकाली गई थी, उसमें ना पता लग रहा था कि विंग के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी ना 1 घंटे में शायद वो भी उसका भी डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसके सिर पर जो चोट लगी थी ना, तो उसके ब्रेन में ना मतलब एक जगह पर ब्लड इकट्ठा होने लग गया था, तो उसके बाद ना उसका ब्रेन डेड होने वाला था, और उसका डेथ होने वाला था, तो ना ये सब भी बाकियों को पता लगता है, और ये सब हमारे विंग को भी पता लगता है, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था कि मैं मर जाऊंगा या फिर क्या होगा, उससे इससे फर्क पड़ रहा था कि मेरा लैंसन मुझे छोड़ कर चला गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे छोड़ कर कैसे जा सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा बोल के ना बहुत रो रहा था, और कह रहा था कि मेरा लैंसन मुझे छोड़ कर चला गया, वो बहुत खराब है, वो बहुत बुरा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे छोड़ कर चला गया, वो ऐसा कह रहा था और रो रहा था, और हमारे जियांगचेन को भी ना खबर लग गई थी कि लैंसन की डेथ हो गई है, और जियांगचेन भी शॉक में चला गया था, वो भी टूट गया था, और हमारे विंग के पास भी कम टाइम बचा था, तो सिचेन जाते हैं घर में और उसको बताते हैं, तो हमारा जो जियांगचेन है ना वो ना बेबी को लेकर आता है, और ना विहिंग को देता है और कहता है कि विहिंग तुम लो बेबी को ना थोड़ी देर खिला लो, वो ना मेरे पास रहता ही नहीं है, वो तो रोए जा रहा था, तो ना हमारा विहिंग कहता है कि मतलब सिचेन से कहता है कि सिचेन का आप मेरी एक बात मानोगे, बोलता है मतलब वो एकदम से शांत हो गया था, और ना ऐसे नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो कहता है कि सिचेन का आप मेरी एक बात मानोगे, आप ना मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो ना हमारे जो सिचेन है ना वो हाँ कहते हैं,
और कहते हैं कि हाँ ठीक है, बोलते हैं, मतलब वो भी कहते हैं, उनका भी दिल टूटा था, उनका भी भाई गया था उनको छोड़कर, लेकिन ना विहिंग का हालत भी वो देख नहीं पा रहे थे, और वो छोटा सा बच्चा, उसकी क्या गलती है, उसका फादर उसको छोड़कर चला गया, अभी उसकी मदर जाने वाली है, उस बच्चे का क्या गलती है, वो ऐसा सोच रहे थे, और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और सब रो रहे थे, लेकिन वो लोग हाँ कहते हैं। तो हमारा विहिंग ना अपने बीवी को ना अपने गोद में बैठाया हुआ था, और वो ना अपने बीवी से बात कर रहा था कि बीवी तुम ना मुझसे और अपने फादर से ना गुस्सा मत हो ना, और ना मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे जो फादर है ना वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो मुझे बचाने के लिए मुझे कार से धक्का दे दिया और ना खुद ही का एक्सीडेंट करवा लिया, वो ना बहुत ख़राब है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, तो उन्होंने ना मुझे ना वहाँ से बाहर भेज दिया, मतलब धक्का दे दिया बाहर कि मैं बच्चा हूँ करके, और वो कह रहे थे कि विहिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत बड़े झूठे हैं, वो सच में मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे छोड़ कर क्यों गए, वो बहुत बुरे हैं ना बेबी। तो ना हमारा बेबी ना अपनी मदर को देख रहा था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो ना हमारा बेबी ना मतलब थोड़ा थोड़ा रो रहा था, और वो कह रहा था कि मतलब हमारा विंग कह रहा था कि बेबी लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारी मदर या फादर जितने भी बुरे हो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं बेबी, आई लव यू बेबी, और तुम्हारे फादर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो थोड़े से बुरे हैं, क्योंकि मुझे छोड़ कर चले गए ना, वो बुरे हैं ना, वो ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता है कि बेबी तुम हमें कभी बुरा मत समझना, मुझे कभी बुरा मत समझना कि मेरी मदर मुझे छोड़ कर चली गई या फिर मेरा फादर मुझे छोड़ कर चला गया, तुम ऐसा कभी मत सोचना बेबी, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे फादर भी ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो ना सिर्फ तुम्हें छोड़ कर गए, मैं भी तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा, लेकिन ये ना हमारे भाग्य में लिखा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे एक वादा करूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ ना। और वो कहता है कि मतलब कि हम ना तुम्हारे फादर और मैं फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम बिताएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताएंगे, और उसके बाद ना हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना तभी हमारी डेथ होगी, हम तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिता कर जाएंगे और हम ना फिर से आएंगे, बोलता है। तो वो ना ये सब लोग सुन रहे थे और सब लोगों के आंखों में आंसू बह रहे थे और सब लोग ना बहुत रो रहे थे, मतलब सुयेंग, सिचेन, सिचेन, जियांग चेन और साउ सेंग चेन, सब लोग बहुत रो रहे थे, और अंकल और आंटी भी बहुत रो रहे थे, और हमारा भी ना वो ना अपने भाई को मतलब जियांग सेन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जियांग सेन और सिचेन का आप लोगों मुझ आप दोनों मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, तो ये दोनों ना कहते हैं कि हाँ विहिंग बोलो, तो ना हमारा विहिंग कहता है कि गागा आप ये वीडियो ना ये मतलब मेरे बेबी को मतलब मेरे युवान को तब तक नहीं दिखाओगे जब तक ज़रूरी नहीं होता, मतलब आप लोग ना उसको ना अपना बेबी मान कर संभालना, और आप लोग ना उससे हमारे बारे में कुछ मत बताना कि तुम्हारे मदर फादर की डेथ हो गई है या क्या हुआ है, क्योंकि ना वो ना टूट जाएगा, मेरा बच्चा टूट जाएगा, और ना मैं ऐसा नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि अब से ना आप दोनों ही इसके मदर फादर हो और आप लोग ही इसे संभालना प्लीज़ गगा, बोलता है, मतलब इन दोनों को बोल रहा था और रो रहा था। तो ना हमारा ज्यांग सेन कहता है कि अभी मैं इसे ना
ये अब से मेरा बेटा है और इसे मैं ही संभालूंगा, और मैं इसे जब तक टाइम ना आ जाए या फिर जब तक ज़रूरी ना हो जाए मैं तब तक नहीं बताऊंगा कि ये तुम्हारा और लहसन का बेबी है। और ना सिचन भी प्रॉमिस कर देते हैं, उसके बाद ना हमारा विंग ना हमारे युवान के सिर पर ना एक किस करता है और कहता है कि आई लव यू बेबी, और वो कहता है कि आई लव यू लहसन बोलता है, और ना उसका ना डेथ हो जाता है वहीं पर। और ये सब ना मतलब रिकॉर्ड हो रहा था, इन दोनों की तो डेथ हो गई है। लेकिन हमारे विहिंग ने जैसा कहा है कि ये दोनों फिर से वापस आएंगे, तो इनका मतलब जब पुनर्जन्म होगा तो स्टोरी में क्या क्या होगा, और हमारे युआन को मतलब सिचैन और जियांगचेन कैसे संभालेंगे वो हम आने वाले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना। और मुझे पता है कि इस पार्ट से आप लोगों को हर्ट भी हुआ है, हैप्पीनेस भी फील हुआ है, लेकिन मैंने ये मतलब एफएफ ऐसा ही बनाया है। और आपको पसंद आए या ना आए आप लोग कमेंट कर देना, लेकिन हमारे युवान बेबी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन उसके पास ना उसके मदर फादर है ना, मतलब सिचैन और जियांगचेन है ना, वो लोग कैसे संभालेंगे वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये एफ पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना। ओके बाय।